तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डी लुकअप के बारे में बताया था, साथ में हमने आपके साथ एचआर डैशबोर्ड के बारे में बात की थी। अब बात कर रहे हैं कि जैसे कि मेरे iDashboard.com, जहां से मैंने इस डैशबोर्ड को नकल किया है, मतलब कि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको डिकोड कर रहा हूँ, उस पर आता हूँ। तो उस पर जैसे कि मैं अगर जिस भी डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, साइड में यहाँ पे उसी का फोटो आता है। जैसे मैंने सेल्स पे क्लिक किया तो ये जॉन के स्मिथ का आया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहां करना चाहता हूं, सेम चीज करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? तो इसके लिए हम कर्सर करने के बाद हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि यहां पे अगर मैं वन लिख दिया तो यहां आपके पास जो सीट फोर में है वन का सुजीत कुमार का पूरा डिटेल आना चाहिए विथ फोटो, राइट। तो हमने इसको कॉपी करके और डैशबोर्ड पे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में हमने पेस्ट एज ए लिंक कर रखा है, ठीक है। पेस्ट एज ए लिंक याद होगा आपको, मैंने बताया था कर रखा है, तो ये लिंक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख पा रहे हैं। फिलहाल इसको लिंक बाद में करते हैं, फिलहाल तो नेम चाहिए मुझे। तो यहाँ मैं वी लुकअप लगाता हूँ और वी लुकअप से इस वन को सपोर्ट में इसमें जाता हूं और यहां से 2 3 4 हाँ कॉमा 2 कॉमा 0 आ गया। डेजिनेशन के लिए सेम वी लुकअप हमने इसको लिया, कॉमा सपोर्ट में चलेगा इसमें, सॉरी हमारा जो डेटा है वहां पे 2 यहाँ पे हो जाएगा कॉमा 2 3 कॉमा 0। और मोबाइल नंबर में भी हम सेम उसको ऊपर ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे 3 के जगह पे 4 लगा देता हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर या जो भी है आपके सामने दिख जाएगा, राइट। करेक्ट सर। अब यहाँ पे बात करते हैं फोटो का कि फोटो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए 2 करता हूँ तो 2 का डिटेल तो आ रहा है, पूजा का नहीं, इस पर पूजा की फोटो नहीं आ रही, राइट। राइट सर। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है आपको कि 2 यहाँ देखते हैं और जाते हैं सीट 4 में, 2 तीसरे नंबर रो में, राइट है ना। तो यहाँ डैशबोर्ड में हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, मैच यहाँ साइड में लगाता हूँ इक्वल मैच, इसको बाद में हटा दूंगा मैं हाइड कर दूंगा इसको मैच, और हम सीट 4 में देते हैं इसको कॉमा 0। इससे पता चल गया मुझे रो नंबर, रो नंबर पता चल गया। तो फोटो में अगर यहाँ जो ये आ रहा है आपका, इसमें लास्ट नंबर 2 की जगह पे 3 तो करना है सर क्या? प्रॉब्लम है कि हम इसके फोटो के अंदर जो ये है इसके जगह पे इसको कॉनकेट वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि तो आपका जो रेफरेंसेज है उसके अंदर, हमने पिक्चर लुकअप पे भी बात की थी आपके साथ कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिंकिंग होती है उसमें किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम चले गए फॉर्मूला बार में और चले गए डिफाइन नेम में। डिफाइन नेम में हम पी एच का नाम देते हैं यहाँ पे पी एच, और यहाँ पे हम जो है इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के साथ इसको हम रखते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ 2 से पहले हम क्लोज करके यहाँ पे एन परसेंट और E3 को रख देते हैं। अब मैं यहाँ सिंपल सा इसको पीएच कर देते हैं, पीएच आ गया सर। अब इसकी कलर जो है व्हाइट कर देता हूँ ताकि किसी को दिखेगा नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर 3 करता हूँ तो 3 का डिटेल आ रहा है, 4 करता हूँ 4 का डिटेल आ रहा है, 5 करता हूँ 5 का डिटेल आ रहा है, राइट। 6 करता हूँ 6 का डिटेल आ रहा है, रवि 6 का डिटेल क्यों नहीं है? 6 फोटो में नहीं है वो शायद, फोटो नहीं है सर 6 तक। हाँ 6 का फोटो नहीं है, तो चलिए एक फोटो लेकर रख देते हैं 6 का, क्या दिक्कत है। गूगल से रवि ऐसे सर्च कर देते हैं, कौन सा वो मेरे रिश्तेदार का फोटो है, किसी का भी उठा दिया।
सिंह में हमेशा जो है ना यार रवि शर्मा लगते इस बार। सरदार जी 2 दिन हो गए एक कंपनी का लग रहा है कुछ, बाकी सब तो अलग ही कॉपी की और वापस एक्सेल इसमें आते पेस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है डैशबोर्ड में आ गया, मतलब पहला चीज तो कर ली। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस पे माउस पॉइंटर ले जाऊं, जब मैं इस पे माउस पॉइंटर ले जाऊं तब जाके दिखना चाहिए, समझे? जी सर। ये कैसे होगा? इसके लिए हमें यूज करना होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां आते हैं एचआर डैशबोर्ड में, इंसर्ट मॉड्यूल्स, हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं सर, फंक्शन एसएच पीएच के नाम से पीएच, और इसके जगह पे एन यहां पे एन एज ए इंटीजर, और हम यहां पे एफ थ्री, कुछ बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा रेंज एफ थ्री डॉट वैल्यू इक्वल टू एन। ठीक है, अब ये चीज हमें इस्तेमाल करनी होगी, यहां जो बी सेवन आपका दिख रहा है इसी में हम लगाना होगा हमको फॉर्मूला हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक इसमें मुझे पी एच के अंदर 1 देना होगा, अरे डिफरेंस क्यों आया, तो इसका मतलब क्या होता है वैसे जो आता है एरर टाइप का? ये आरएफ फॉर्मूला आ गया सर, इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब आ गया, इस एरर शो क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा 1 शो करना चाहिए था इसको, एरर हटा देता हूं मैं। ये हाईलाइट क्यों हो रहा है? ओ सॉरी सॉरी, पीएच नाम का ऑलरेडी हमारे पास डेटा टाइप है ना, इसलिए पीएच एस कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हाई, यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला लगेगा, इफ एरर, और यहाँ पे हम इन्वर्टर को में पीएच करते हैं, वन आ गया ना सर। अभी पीएच लिखा हुआ है, इसके जगह पे हमें इसका रेफरेंस देना होगा सीट फोर में, ऐसा यहाँ पे सपोर्ट के अंदर में टोटल, ये बड़ा हो गया काफी, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं चार कर देता हूँ, चार कर दिया, बट इसमें क्लिक करूंगा तो एक आ जाएगा, आ जाएगा। अब सेम फॉर्मूला मैंने इसको कॉपी करना है, और यहां पे जो 398 है इसके अंदर देना है, और B7 के जगह पे B1 करना है, B1। काउंट में B2 होगा, B2। 398 आ गया, 398 कहाँ का है, इस पे क्लिक करता हूँ, ये तो आया नहीं, ये वो यहाँ पे तो 1 ही है।